हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही चटपटी चाट की रेसिपी, यानी कि जिसको बनाएंगे हम आलू और मूंगफली के साथ। तो चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो आलू चाट के लिए लेंगे सबसे पहले हम चार आलू। इनको धोकर छील कर और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो आलू को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और उसके अंदर हम लेंगे एक छोटा कप मूंगफली। ये कच्ची मूंगफली है, आप रोस्टेड भी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनको फ्राई करेंगे। गैस पर रखेंगे कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर मैंने 2 से 3 चम्मच तेल डाल दिया है। थोड़ा गर्म होने देंगे पहले इसको। तेल गर्म होते ही हम अपना मूंगफली दाना उसके अंदर डालेंगे और इसको भूनेंगे। लगातार चलाते हुए अपनी मूंगफली को फ्राई करेंगे। तो मूंगफली दाना हमारा फ्राई हो गया है, उसको हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम अपने आलू फ्राई करेंगे। अगर आपको तेल कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा और डाल लें। तो अब अपने आलू फ्राई करेंगे। सारे डाल दूंगी। मीडियम गैस पर हम इनको फ्राई करेंगे। एकदम गोल्डन फ्राई करना है हमें इन्हें। आलू भी हमारे फ्राई हो गए हैं तो इसको भी हम निकाल लेंगे। सभी को मैं निकाल दूंगी। आलू फ्राई हो गए हैं, अब इसको एक बाउल के अंदर निकालेंगे। अब तैयार करेंगे हम आलू मूंगफली चाट। आप इसको चाय के साथ ले सकते हैं जब आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो। और अब डालेंगे हम इसमें मूंगफली दाना जो हमने फ्राई किया था और थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च बारीक कटी हुई। बच्चे अगर आपके छोटे हैं तो हरी मिर्च को अवॉइड करें। उसके बाद डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, आधा छोटा चम्मच काला नमक। आप इसको व्रत के अंदर भी खा सकते हैं, काले नमक की जगह आप सेंधा नमक यूज करें। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालेंगे। और इसको अब मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर अब लाल चटनी भी डाल सकते हैं, तो मैं थोड़ी सी डालूंगी। और हरी चटनी थोड़ा सा डाल देंगे हम, जिससे कि इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब सर्व करेंगे अपने ये आलू मूंगफली चाट। तो फ्रेंड्स, तैयार है मेरी बहुत ही चटपटी टेस्टी सी आलू मूंगफली चाट, जो बनी बहुत टेस्टी है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। जब आपका चाय के साथ कुछ चटपटा खाने का मन हो तो इसको तुरंत बनाएं और खाएं और मजा लें इसका चाय के साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को।